ड्रंक ड्राइविंग केस में मेरा लाइसेंस जमा हो गया है सर, तो सर दूसरा बनवाना था। दोबारा ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं करोगे? सर वो दोस्त बुलाते तो जाना पड़ता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार से नहीं हो ऐसा। बन जाएगा, अगली टेबल पे जाओ और फॉर्म भर दो। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, वो सिंगिंग कोचिंग के लिए लाइसेंस लेना था। दो साल से मैं खुद भी सीख रहा हूँ सर सिंगिंग, और भगवान की कृपा से गला भी ठीक है। अगर लाइसेंस मिल जाता तो रोटी रोजी की जुगाड़ हो जाती। अच्छा, हाँ जी, तो सुनाइए कुछ। जी ध्यान दीजिएगा सर। बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाचे रे। बस करो यार। मधुबन अरे बहुत, बस करो सर। ऐसे कहोगे? अच्छा लगा सर। बहुत मुश्किल है ऐसे सर, पर अगर हमारा प्यार सच्चा है तो क्या हमें वाकई में दुनिया के लव के लाइसेंस की जरूरत है? इन समाज के भय से या लोग क्या कहेंगे इस डर से हम में से बहुत सारे राइट डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं। लाइफ इज बियॉन्ड लॉजिक। हम अपने जीवन के बारे में सोचते कुछ हो रहा है और असल में होता कुछ और है। लाइफ सरप्राइजेस। आपके आ जाने से ये एक ऐसी कहानी है, ऐसी लव स्टोरी है। ये शो लिखा गया है, एक जो मेन राइटर हैं जिन्होंने इस शो को क्रिएट किया उनका नाम है प्रीति ममगेन, उनको मैं बहुत सराहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से हम इंस्पायर हुए, क्योंकि उनकी लाइफ से कुछ चीज़ें निकली, उनकी ज़िंदगी से उनके उन्होंने ये क्रिएट किए कैरेक्टर्स, तो उनसे मैं एक मिनट के लिए सिर्फ कैन यू कम प्रीति। सिंगल मदर का फिर से सेटल होना सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना जितना मुश्किल है उतना ही वुमेन के लिए खुद भी उतना ही मुश्किल होता है, बिकॉज देर आर सो मेनी कंसिडरेशंस दैट यू थिंक अबाउट। बच्चा एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फैमिली एडजस्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लड़के के लिए शायद जो यंगर होता है उसके लिए शायद फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि एट दैट एज लड़के उतना ज़्यादा लॉजिकली शायद सोच नहीं रहे होते एंड दे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शूट पे भी एक वातावरण अच्छा मेंटेन हो, तो हमारे साथ तो वैसे ही होता है, हम चिल हैं वैसे, तो इट्स नाइस। यू थिंक आई एम 24? नो नो, आई एम डबल एज। योर एज ना ऑन कैमरा? नो, आई एम डेफिनेटली नॉट इन माय 20s, ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बट द फैक्ट दैट आई हैव अ 15 ईयर ओल्ड और मैं एक 24 साल के लड़के से प्यार में पड़ी जो डे टू डे लाइफ में नहीं होता। आई एम लकी कि ऑफ स्क्रीन तो ऑन स्क्रीन मुझे करने का मौका मिल रहा है। चैलेंजिंग तो क्या, यू जस्ट हैव टू इमेजिन, मैं ऐसे थोड़े लोगों को जानती हूँ, आजकल तो बहुत सिंगल मदर्स हैं, बट वो शायद अपना प्यार ज़्यादा इजहार नहीं कर पाती, वो शायद अपने उम्र से बड़े हो या छोटे हो, रियली डजेंट मैटर। सिंगल मदर को दूसरी बार प्यार होना ही अब तक हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, प्लस उम्र से छोटा मतलब और एक स्टेप उसके आगे चलना। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर शो अगर बाय गॉड्स ग्रेस चल जाए तो एटलीस्ट सिंगल मदर्स अपनी एज के लड़कों से तो शायद इजहार कर सकेंगी या सोसाइटी एटलीस्ट उतना तो एक्सेप्ट कर लेंगी कि चलो उतना नहीं तो चलो यही कर लें।